इंडोनेशिया का एक फैसला अब चीन में अंधेरा ला रहा है। इंडोनेशिया जैसा देश ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? चीन परेशान हो गया है, लेकिन खुद चीन से परेशान होकर इंडोनेशिया ने ये फैसला लिया है। सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है इंडोनेशिया जैसे छोटे देश का चीन के खिलाफ, क्योंकि ये देश जो दक्षिण चीन सागर में छोटे छोटे देश हैं, ये जल्दी चीन से पंगे लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने ये बड़ा पंगा ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस अब पाकिस्तान से बुरी तरीके से खफा हुआ है। पाकिस्तान से खफा होने की वजह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर के छोटे बड़े देशों को देखें तो कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन से परेशान नहीं है। आप देखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर लिया, तो फिलीपींस भारत के साथ किसी भी तरीके से ब्रह्मोस की डील करना चाहता है, अन्य हथियारों की डील करना चाहता है। ताइवान तो खुद परेशान है, और इसके अलावे वियतनाम भी अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। इन सब देशों के बीच इंडोनेशिया ने भी अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। वैसे आपको बता दें, एक समय था जब इंडोनेशिया और चीन में व्यापार बहुत जोर का चलता था, और इंडोनेशिया कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो पाएगा या चीन के खिलाफ खड़ा होकर कुछ बोल पाएगा। पर धीरे धीरे चीन जितना आक्रामक हो रहा है, इंडोनेशिया उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा है। अब परेशान होकर इंडोनेशिया ने दो काम किए हैं। एक तो चीन को जाने वाला कोयला, आपको जैसा कि पता है ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना चीन ने बंद कर दिया है। अब नंबर वन पोजीशन है जिससे खरीदता है कोयला चीन, वो है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया ने क्या किया, सबसे पहले तो जो कोयला चीन को जाता था उस पे रोक लगा दी, मतलब कि अब कोयला नहीं भेजेगा। अभी किसी तरीके से जो ऊर्जा संकट हुआ था और अंधेरा छा गया था चीन में, जो अभी तक पूरी तरीके से निकला भी नहीं है, वो संकट अब एक बार फिर आता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब इससे इंडोनेशिया जानता है कि हमने इतना बड़ा कदम उठाया है जो चीन के साथ सीधे पंगा लेना हुआ। चीन के साथ सीधे पंगा लेने का मतलब है चीन पलट कर वार करेगा। अब इसे देखते हुए इंडोनेशिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। अब इंडोनेशिया ने अपने डिफेंस को बढ़ाने के लिए 125 अरब डॉलर लगा दिए हैं। अब 125 अरब डॉलर में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में खरीद रहा है इंडोनेशिया सबमरीन्स, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत अच्छे से जानता है दक्षिण चीन सागर में अगर चीन को काबू करना है तो सबमरीन ही है जो काम आएंगे, और सबमरीन के जरिए ही चीन को काबू में लाया जा सकेगा। इसलिए इंडोनेशिया इसकी बड़ी संख्या खरीदने में खर्च कर रहा है सबमरीन्स को। खास तौर पर इंडोनेशिया चाह रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन उसे मिले। वैसे आपको बता दें, इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन वो देश हैं जो खुशी खुशी इंडोनेशिया की मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। वैसे जहां इंडोनेशिया ने ये सब कुछ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं, वो तो सभी को पता है ही। इस वक्त भी शांति कजाकिस्तान में नहीं हुई है। कजाकिस्तान लगातार अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। वैसे आपको बता दें, पहले दिन ही रूसी सैनिक पहुंच गए थे कजाकिस्तान, लेकिन ये मामला अभी भी नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि न सिर्फ रूसी बल्कि बाकी जो CSTO के साथी देश हैं, वो भी पहुंच गए थे, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, उसे देखकर दुनिया चौंक रही है। ये तो पता था ही कि कजाकिस्तान अफगानिस्तान से सटा हुआ है, तो यहाँ तालिबान वाले एलिमेंट तो होंगे ही। इस मौके का फायदा उठा रहा है तालिबान भी, और तालिबान के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये हिंसा रुक नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसमें बाहरी तत्व लगातार शामिल होते जा रहे हैं। अब जो रूसी सिक्योरिटी एजेंसी है, उस रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने इस पर कड़ी नजर बनाना शुरू कर दिया है। अब रूस इस मंसूबे में था कि इस इलाके में रूस अपनी सेना उतार देगा, और फिर यहाँ पर जो हालात पैदा हुए हैं उसको आधार बनाकर रूस कजाकिस्तान को सपोर्ट देगा, और धीरे धीरे रूस अपना USSR का सपना पूरा करेगा। ऐसी बातें इसलिए आने लगी क्योंकि हाल ही में USSR की जर्सी में उतरे थे रूस के खिलाड़ी, जिसके बाद हालांकि जब पूछा गया कि सोवियत संघ की जर्सी में क्यों उतरे, दुनिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि पुतिन ये मानते हैं कि सोवियत संघ का टूटना एक बहुत बड़ी भूल थी, और हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से इस जमीन को पाया था और ये टूट गया। USSR को लेकर पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षा
अच्छा है। और कहा तो ये जाता है कि पुतिन हर हाल में चाहते हैं कि यूएसएसआर एक बार फिर से बने। अब ये पुतिन के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ गेम रूस ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन रूस ब्लेम करता है अमेरिका को, अमेरिका ब्लेम करता है रूस को कि ये सारा गेम रूस का है। और कहीं न कहीं इस बात में कि ज्यादा दम दिखता है कि ये गेम रूस का ही है। पर अब यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट आ चुके हैं। अब इस एलिमेंट में जहाँ अफगानिस्तान से तालिबान के लोग जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा सऊदी अरब ने हाल ही में बैन किया तबलीगी जमात को और बोला कि ये गेटवे है आतंक का, यानी इसके रास्ते आतंकी घुसते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा बौखलाया था कौन, तो सबसे ज्यादा बौखलाया था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा था ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तबलीगी जमात एक संस्था है और कुछ नहीं है। लेकिन अब जो रूस के सिक्योरिटी एजेंसी है वो ये कह रही है कि इस इलाके में पाकिस्तान के जो ये तबलीगी जमात के लोग हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। अब कजाकिस्तान में ये वेल ट्रेंड, बहुत अच्छे से सिखाए पढ़ाए गए जो ये आतंकी है, ये घुस चुके हैं और ये बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात की और अफगानिस्तान के ये जो तत्व हैं, इन दोनों की एंट्री हो गई है। ये दोनों और ज्यादा भड़का रहे हैं इस इलाके को। कजाकिस्तान के रास्ते तालिबानी आतंकी धीरे धीरे रूस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ऐसे में रूस नाराज तो होगा ही। रूस को इस मामले में पाकिस्तान के ऊपर बड़ा गुस्सा आया है। इसलिए गुस्सा आया है कि उसका मानना है कि यहाँ पर पाकिस्तान भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि रूस जब इसका जवाब देगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, रूस और पाकिस्तान का एक पुराना इतिहास भी रहा है और वो इतिहास भी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ ही रहा है, जहां रूसी सैनिकों को मारने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने यहां पर रूसी सैनिकों के लिए जाल बिछाए थे और रूस इस चीज को कभी नहीं भूल सकता है। अब एक बार फिर कजाकिस्तान में पाकिस्तान जिस तरीके के खेल खेल रहा है, उससे रूस की परेशानियां खड़ी हो रही है। और रूस जिस तरीके से आसानी से कजाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता था, वो मंसूबा फेल होता हुआ दिख रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कजाकिस्तान का कोलैप्स होना बिल्कुल तय है। ऐसे में रूस और भी बड़े सैनिकों के ग्रुप को उतार रहा है और लगातार एयर ड्रॉप हो रहे हैं रूसी सैनिकों की बड़ी संख्या यहाँ पर तैनात हो रही है, जो कहीं न कहीं इन तत्वों के लिए भारी पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने जब अमेरिका को धोखा दे दिया तो फिर रूस क्या चीज है? रूस को पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।